हालांकि में ये देखने वाली बात रहेगी कि कौन सी टीम यहाँ पे जीत के आगे अपने मैच को कंटिन्यू करती है। जी बिल्कुल बट अगर यहाँ पे एक सर्कल का शिफ्ट आ जाए तो फाइट में और थोड़ा डिले हो सकता है, बट सोल जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है यहाँ पे डिले नहीं करने वाला है, यहाँ पे पुकार एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, बट वाइपर जरूर वहाँ पे स्पॉट हो चुका है। सोल के लिए बात करी जाए तो स्काईलाइट गेमिंग के ऊपर यहाँ पे जो प्रेशर है वो और ज्यादा बिल्डअप हो सकता है, बिकॉज स्काईलाइट गेमिंग कहीं ना कहीं खिलाड़ी के साथ खेल रहा है, उसके अंदर ऑलरेडी पुकार हमें एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है, बट टीएसएम के ब्लेड यूपी वापस यूएक्स आ रहे थे तो जाको बॉय को डाउन करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे रेवेनेंट का नीड जाएगा, वर्सेस टेक भी डाउन होता हुआ नजर आएगा, तो मल्टीपल नेड्स का यहाँ पे शिकार जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है फॉर दैट मोड भी, बट क्या यहां पे वीरू टेक डाउन कर पाएंगे, सामने से एक मोलो डाउन नेड आता हुआ नजर आएगा जो यहां पे फिलहाल डाउन करके जाएगा वीरू को, बट पीछे से कवर फायर आएगा दैट रॉक एंड एलिमिनेशन फॉर टीम स्काईलाइट गेमिंग इन दिस गेम, बट टीम आते हुए बेस को टेक डाउन किया जाएगा, आज की प्लेयर जो बचे थे उसी के साथ शायद से यहां पे टीएसएम को पूरी तरीके से मैच से बाहर कर दिया जाएगा। चिकन रिजिस के वैम्पायर को यहां पे सोल के प्लेयर स्पॉट करने वाले, चार फिनिशर्स अभी तक सोल के प्लेयर्स निकाल चुका है, अगले साइड के काइल वादे टीममेट पॉक के अल्ट्रॉन को टेक डाउन करके युवा का स्टेज आता हुआ चिकन रिजिस के वैम्पायर को मैच से बाहर कर दिया जाएगा। 17 के प्लेयर्स हैं जाकी उस सिचुएशन में यहां पे वेट करने वाले, अगले साइड के प्लेयर्स भी उसी तरह से बनाने वाले, फिलहाल के थ्री गॉड को स्टैट स्पॉट किया गया, वाइपर का डीपी बर्स्ट जाता हुआ थ्री गॉड को टेक डाउन करते हुए स्नैक एंड रंजीत पीछे फिलहाल के लिए मौजूद रहने वाले, रंजीत की स्पेस जरूर आएगा, पोजीशन अपना रिवील ऑलरेडी कर चुके स्नैक को, जल्द से जल्द थ्री गॉड को रिवाइवल देना पड़ेगा, ऑलरेडी मुझे लगता है मुश्किल से नहीं होने वाला है, स्नैक के प्लेयर्स तो उस स्तर का देखने मिल जाएगी, स्मिथ पास की गेल फिलहाल के लिए कोशिश करेंगे ये सारे पेस निकालने की, बट फिलहाल के लिए टोल पूरी तरीके से रश करने की कोशिश में तेज जरूर स्नैक्स आएंगे यहाँ पे फिलहाल के लिए, रॉकेट को टेक डाउन किया जाएगा, वाइपर का कवर फायर जरूर आएगा रंजीत के अगेंस्ट, बट फिलहाल के लिए युवा को ये वन वन लेना पड़ेगा, स्नैक्स अभी भी स्मोक के अंदर सर्वाइव करे, बट कितनी देर तक युवा वर्सेस स्नैक्स ये देखने वाली बात जरूर रहने वाली, रंजीत पीछे से कवर फायर जरूर देने वाले, बट युवा के लिए बैकअप किस तरीके से इस टीम सोल देने वाले तो देखने वाली बात जरूर के लिए। Yes, exactly. But साथ ही साथ बात करें यहाँ पे स्नैक को स्पॉट किया जाएगा, स्नैक गोइंग डाउन, रंजीत ही विल बी द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे पर का डीपी काफी बढ़िया तरीके से आता हुआ नजर आएगा, बट ऑल प्लेस फाइव कमिंग आउट फ्रॉम नोवेयर यहाँ पे एलिमिनेट करके मौजूद नहीं है, बट टीम सोल की बात करें यहाँ पे स्काईलाइट गेमिंग के साथ एक और बार अर्ली चैलेंजेस के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे युवा ओपी हमें नॉक एंड फिनिश होते हुए नजर आ रहा है, रॉक की बात करें जरूर उनके पास एसएमजी मौजूद रहेगा, बट क्या यहाँ पे फाइट काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगा, बट यहाँ पे पुकार हमें डाउन होते हुए नजर आएंगे एंड रॉक जरूर यहाँ पे आगे जाएंगे, स्काईलाइट गेमिंग के बाद पुकार को नॉक आउट फिनिश किया जाएगा एंड स्काईलाइट गेमिंग एसी के साथ काफी ज्यादा बैकफुट पे आ जाएगा, बट टीम सोल कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो फाइट है उसके अंदर कैपिटलाइजेशन बनाना चाहेंगे। Well, देखा जाए जिस तरीके से पुकार इस मैच से बाहर हो चुके, उस साइड से युवा भी इस मैच से बाहर हो चुके, तो जो प्रेशर है दोनों टीम के ऊपर होने वाला है, फिलहाल के लिए कार्तिक एंड गमला बॉय दोनों प्लेयर्स यहाँ पे तैयार रहने हैं, मे बी हम कह सकते हैं कि हमारे स्काईलाइट गेमिंग की न्यू एडिशन यहाँ पे एब्सोल्यूट कार्तिक हो सकते हैं, पता नहीं यहाँ पे बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल रहता चलता रहता है जी, बट लेट्स जस्ट होप कि यहाँ पे क्या एडिशन रहने वाला, बट गमला बॉय यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर को स्पॉट किया गया, सीधा नॉक किया अनिमी कूदे एंड इज डन फॉर दिस मैच राइट नाउ, कार्तिक के ऊपर अभी ये 1v3 का सिचुएशन आ पाता है, बट मुझे लगता है ये 1v3 अगर कार्तिक कर पाते, अगर वो ट्रायल्स दे रहे स्काईलाइट गेमिंग के लिए, तो इससे बढ़िया मौका शायद से और नहीं हो पाएगा इस जगह पे, बट कार्तिक इज जस्ट गोइंग ऑन इस लेवल दिस पोजीशन, बट लेट्स जस्ट होप कि अगर 1v3 निकल जाए जीत, मुझे लगता है उनका जो सिलेक्शन है वो जरूर हो जाए जी बिल्कुल, बट यहाँ पे 1v3 निकालना थोड़ा सा ना एक तरीके से मुश्किल रहने वाला है, बिकॉज सामने जो खिलाड़ी है वो रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से वो नहीं छोड़ने वाला है इनको, बिकॉज उन्होंने भी इनके एक कार्ड को नॉक एंड फिनिश किया है, बट बात करें दूसरी तरफ खिलाड़ी को नॉक एंड फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं, बट कार्तिक यहाँ पे क्लच कर सकते हैं, देखिए M4 है उनके पास जो मौका रहेगा, एंड अगर वहाँ पे एक एक करके आते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल सोल के लिए वो जरूर बना सकते हैं, बट लेट्स जस्ट सी क्या होता है, बट इन सभी के साथ हमारा जो गेम है वो आपको 3 मिनट के अंदर होते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ हमारा जो पहला सर्किल है वो 3 मिनट के अंदर क्लोजिंग होता हुआ नजर आएगा, बट कार्तिक अभी भी आपको वहाँ पे टिकट लेते नजर आएंगे, वाइपर यहाँ पे आगे जरूर जा रहे हैं, बट यहाँ पे मिल के टीम सोल जो है कार्तिक।